सभी साथियों को जय किसान। साथियों, जैसे कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जी थैंक यू। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे और लोग जुड़ जाएंगे तो अपने फसलों के ऊपर, सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। जी सियाग साहब, पवन मिश्नोई जी, जैक्सन भाई साहब, वीडियो को आगे बढ़ा दें। जैसे ही और साथी जुड़ जाएंगे तो फिर अपने चर्चा शुरू करेंगे। आज अपने मुख्यतः बात करेंगे सरसों के ऊपर और नरमे के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कल सरसों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा। सुबह के टाइम कोशिश करूंगा कि कल सरसों के भाव के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के, क्योंकि थोड़ी जानकारी आज अभी मिली थी लेकिन अभी मैं लेट हो गया था, अभी शाम को मिली है। तो कोशिश करूंगा कि कल एक सरसों के ऊपर अच्छी बढ़िया वीडियो बना के आप सबको भेजूंगा। साथियों, अच्छी बारिश हो रही है आज इलाके के अंदर, उस सबके आपको बहुत बहुत बधाई हो। किसानों के लिए बिल्कुल अमृत बरस रहा है खेतों के अंदर, और जो बैरानी वाले साथी थे हमारे, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो इस बरसात की। जी लगभग 150 लोग जुड़ गए हैं। तो साथियों देखिए, सरसों की बात करते हैं सबसे पहले। सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी आज जो है बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 50 से 70 रुपए कल बढ़ी थी सरसों, और 50 से लेकर 70 रुपए कुछ मंडियों के अंदर 100 रुपए 125 रुपए सरसों में आज जो है तेजी देखने को मिली है। साथियों, हो सकता है आने वाले एक दो दिनों में और थोड़ी तेजी मिले, लेकिन तेजी से मेरा मतलब ये रहेगा कि तेजी से मतलब ये नहीं है कि तेजी जो है 400 रुपए की 500 रुपए की आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तेजी हो सकती है सरसों के अंदर। उसका कारण ये था साथियों, जैसे कि मैंने रात ही बताया था कि अब जो बिकवाल नहीं है, सरसों की बिकवाली नहीं है, हाजिर मंडियों के अंदर जो है सरसों का रुझान बहुत कम है। जो मिलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके पास भी जो है सरसों बहुत कम है, और अभी अवेलेबिलिटी नहीं है सरसों की उनके पास। जिस किसान के पास है वो अभी सरसों बेचना नहीं चाहता। उसका रीजन स्पष्ट है कि जिस बंदे ने मान लो ऊपर का भाव देखा, जब सरसों अपनी चरम सीमा के ऊपर थी, बिफोर दीपावली और आफ्टर दीपावली भी एक बार काफ़ी मतलब कि तेजी के अंदर सरसों गई थी, तो तब तक जो है किसान वो सरसों नहीं बेचेंगे। तो सरसों की जो आवक है, जो हाजिर मंडियों के अंदर आवक है, वो बहुत कम है, अभी ना के बराबर है। मैं ये बोलूँ कि ना के बराबर है तो वो ना के बराबर ही है। अभी हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी आवक हो जाए, क्योंकि लगभग दो दिनों के अंदर मेरे ख्याल से 200 रुपए से लेके 210 रुपए प्रति क्विंटल जो है सुधार हुआ है। आज मैंने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर भी एक पोस्ट डाली थी दोपहर को, तो बताया था कि सरसों के अंदर आज तेजी रह सकती है। तो तेजी से मतलब ये नहीं कि सरसों बहुत तेज है, सरसों बहुत तेज नहीं है साथी, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो अभी ओपन होने वाला, जो खुलने वाली है, जो अगली फसल है वो आने वाली है। हालांकि आज की बरसात से बहुत फायदा हुआ है सरसों और गेहूं की फसल को, चने की फसल को काफी फायदा हुआ है, लेकिन अगर ये बरसात और, जैसे कि तीन दिन और बता रहे हैं कि अभी कल और परसों और बरसात बता रहे हैं, उसके बाद जो है बरसात बताई जा रही है 13-14-15 को बरसात बताई जा रही है, और उसके साथ कुछ अनहोनी भी बताई जा रही है। अनहोनी से मेरा मतलब कि ओलावृष्टि की भी कुछ संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अलग चीज है, अदरवाइज सरसों की फसल बहुत बम्पर है इस बार। भगवान की बड़ी कृपा है किसानों के ऊपर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ गलत नहीं हो। बरसात आज हुई है, बरसात थोड़ी बहुत कल हो जाए, बहुत ज़्यादा बरसात भी नुकसान करेगी अब सरसों को, क्योंकि ज़्यादा बरसात होगी तो नुकसान होगा उसका, लेकिन आगे की जो फसल है उसको देखते हुए मार्केट का जो ट्रेंड ये सेट हो रहा है कि बड़ी तेजी नहीं होगी सरसों के अंदर। जैसे कि आप मान के चलो कि एक हफ्ते के अंदर 1000-1500 की तेजी, ऐसा नहीं होगा साथियों। अब इतनी बड़ी तेजी सरसों के अंदर जो है नहीं आएगी। उसका कारण यही है कि अगली फसल एक सर पे है, और दूसरा जो है अभी डिमांड के अनुसार थोड़ी बहुत सरसों ट्रेडर्स के पास है। मार्केट के अंदर, हाजिरी मंडियों के अंदर सरसों नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी कोई पाम ऑयल के अंदर नहीं है। कोई जब तक तेजी नहीं बनेगी तब तक जो है इसका कोई बड़ा इतना लंबा चौड़ा रेट नहीं बढ़ेगा। ये आज भी मेरी कुछ मिलर से भी बात हुई है, उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, अभी एकदम से जो है इतनी तेल की किल्लत नहीं आने वाली। और बाकी साथियों, चुनाव है, आप सब को पता ही है, 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव है, तो सरकार नहीं चाहती कि स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो किधर भी, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है इसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको सरसों के ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो
बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको एक सिर्फ स्पेशल सरसों के ऊपर एक वीडियो बना सकूँ, मैं कोशिश करूँगा मेरी ओर से। और नरमे की बात करेंगे उससे पहले सरसों के भाव देख लें कुछ मंडियों के। भरतपुर के अंदर 7380 रुपये, जयपुर के अंदर 7640 रुपये, दिल्ली के अंदर 7172 रुपये, आदमपुर के अंदर 6865 रुपये, गंगापुर के अंदर 7295 रुपये, इलाहाबाद के अंदर 7450 रुपये, अलवर के अंदर 7255, कोटा के अंदर 6960, जोधपुर के अंदर 7225। सलोनी का भाव आज 8200 रुपये रहा, उसमें स्टेबिलिटी है, कल भी यही भाव था वहां पे। दादरी के अंदर 7300 रुपये, निवाई मंडी के अंदर 7720 रुपये, एंड इंडोन के अंदर 7340 रुपये, अलवर के अंदर 7460 रुपये, हाकुड़ मंडी है 7310 रुपये, कोटा के अंदर 7010 रुपये, कैथल 7420 रुपये, जोधपुर 7080 रुपये, और खरली मंडी के अंदर 7430 रुपये जो है साथियों सरसों का भाव रहा है। नरमे की चर्चा करें उससे पहले थोड़ी ग्वार की और मूंग की चर्चा कर लें। देखिए ग्वार के अंदर आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी, जो एनसीडेक्स के रेट थे ग्वार गम के उनके अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं था, है पॉजिटिविटी की और पॉजिटिव है। हाजिर मंडियों के अंदर आज ना तो ग्वार की मेंशन करने वाली बात है साथियों, तो आज ग्वार के और मूंग के बारे में ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यूट्यूब के ऊपर अपना माफी चाहता हूँ साथियों आप सबसे, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। नरमे की चर्चा करेंगे अपने, काफी साथी मेरे को लगता छोड़ के भी चले गए, उन्होंने सोचा होगा कि शायद जो है नेटवर्क चला गया और वीडियो एंड होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नरमे के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा था कि यूट्यूब के ऊपर भी अपना चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, वहां दिन में सभी फसलों के रेट की जो है चर्चा अपने करते रहते हैं, तो आप भी वहां सारे साथी जुड़े। देखिए नरमे की बात करें साथियों तो नरमे के अंदर आज कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, जैसा कि मैंने कल रात को मेंशन किया था आप सब भाइयों को, मैंने बताया था कि नरमे के अंदर कल को ब्रेक रहेगा और आज वही हुआ। हालांकि मंडियों के अंदर आवक नहीं थी, आज आवक बिल्कुल नील नो के बराबर थी। अगर आवक होती तो ये जो दबाव था, ये जो प्रेशर था नरमे के ऊपर, ये हो सकता कि इससे भी बड़ा होता, हो सकता है नरमा इससे भी 150 से लेकर 225 रुपए तक बंदा रहता। लेकिन आज आवक नहीं थी, फिर भी भाव के अंदर पूरा प्रेशर रहा। खास करके बात करूं राजस्थान की कुछ मंडियों की, तो ये जो है नरमा जो है दबाव में रहा आज। और मैंने सुबह ही मेरे जो YouTube चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, उसके ऊपर सुबह ही मैंने अपडेट कर दिया था आज लगभग 10 बजे कि आज नरमे के अंदर जो है मंदा रहेगा, नरमे की जो मंडियां हैं वो सारी आज मंदी रहेंगी। अब हो सकता है कि कल जैसी आवक बढ़े, अभी मौसम का चक्कर है दो दिन, तो अगर तो आवक कम हुई फिर तो हो सकता है रेट के अंदर स्टेबिलिटी रहे। लेकिन अगर एकदम से मान लो कल आवक बढ़ती है तो हो सकता है थोड़ा सा दबाव नरमे के ऊपर और बढ़े, अदरवाइज और कोई भी चांस नहीं है साथियों कि नरमे के अंदर जो है कोई गिरावट आए, छोड़ एक कोविड को छोड़ के और कोई भी फैक्टर नहीं है ऐसा जो अपने को ये लगे कि नरमे के अंदर जो है गिरावट आ सकती है। मौसम आज भी खराब था, मौसम कल भी खराब है, मौसम का परसों का भी खराब कह रहे हैं। हाजिर मंडियों के अंदर बिल्कुल ना के बराबर आज आवक थी, बहुत कम आवक थी मतलब की, तो अगर कल आवक बनती है तो एक प्रेशर बन सकता है। देखिए नरमे के अंदर मंदी कब आ सकती है, नरमे के अंदर मंदी तभी आ सकती है जब प्रेशर रहेगा आवक का। हाजिर मंडियां जो हैं जिनको हम लोग सादी भाषा के अंदर धान मंडियां बोलते हैं, अगर उनके अंदर आवक बढ़ेगी तो आवक बढ़ने से एक प्रेशर आ सकता है। एक सुखद खबर है खारगोन मंडी से, मैंने वीडियो भी डाली थी, वो खबर ये है कि 11115 रुपए वहां पे बोली के ऊपर नरमा बिका है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि किसानों के लिए एक अच्छा ये ट्रेंड है और उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो लोग, जो व्यापारी, जो ट्रेडर्स लोग राजस्थान के अंदर नरमा 9500 रुपये ले रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी ये एक खबर है कि आप लोगों को भी थोड़ा होशवास करना चाहिए। अलबत्त पूरे देश का सिस्टम तो एक ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कुछ लोग जो हैं सस्ता ले रहे हैं नरमा। एक खबर और बड़ी है पाटन के अंदर, पाटन जो कि गुजरात का एक शहर है, वहां 10,560 रुपए नरमा बिका है, तो वहां भी जो है तेजी रही है। तो ओवरऑल मैं कहूं तो तेजी तो है नरमे में, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोकल के जो ट्रेडर्स हैं अब उनकी मनमानी चल रही है, मेन प्रॉब्लम यह है। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज भी उठाई थी और वो वीडियो आप सब लोगों ने बहुत लाइक किया और वो वीडियो जो है काफी ऊपर तक लोगों के पास गया, मेरे पास काफी लोगों के आज फोन आए
और वो लोग मेरे को अपनी इंग्लिश में समझा रहे थे, लेकिन मैंने उनको पंजाबी में हिंदी में समझा दिया कि भाई मेरे को इन चीज़ों का पता है, मेरे को मत बताओ। तो वो चीज़ है कि नरमे के अंदर मंदा नहीं है साथियों। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने कल बोला था, कल सुबह ही मैंने बोल दिया था कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा, वो ब्रेक चल रहा है, वो आज ब्रेक आ गया है। अगर इससे ज़्यादा आवक होती तो भी साथियों कहीं ना कहीं एक ब्रेक ये बड़ा हो सकता था, लेकिन अगर ये ब्रेक अब बड़ा नहीं हुआ तो अगर कल को मान लो फसल ज़्यादा एकदम से आवक आएगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव रहे। बाकी नरमे में मंदा नहीं है, ये बात तय है। मंदा एक ही चीज़ से हो सकता है, वो चीज़ है कोविड। अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं, लॉकडाउन लगता है, जैसा कि आज राजस्थान के अंदर भी बहुत सख्ती कर दी गई है, काफ़ी सख्ती कर दी गई है, शाम को मैंने अभी पढ़ा था, तो साथियों फिर कोई दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज नरमे के अंदर कोई भी मंदा नहीं है। नरमे की भाव की बात करें तो खारगोन के अंदर 11,115 रुपये, पाटन के अंदर गुजरात 10,560 रुपये, आदमपुर के अंदर 9,600 रुपये और सिरसा के अंदर 9,610 रुपये एक डेयरी की साथियों बोली हुई थी। ज़्यादा मंडियों के भाव आज अपने को मिले नहीं हैं। जो भी सूचना मिलेगी नरमे के अंदर मंदे तेजी की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज नरमा जो था वो थोड़ा कमजोर था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि नरमा थोड़ा कमजोर है, और दोपहर होते हुए थोड़ा सुधार हुआ, शाम होते होते सुधार होकर एक बार फिर से थोड़ा सा अभी नरम रूप था नरमे का। तो अगर कोई तेजी बनी साथियों तो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा मैं, आज भी अपने YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अपडेट कर दूंगा अभी शाम को मान लो लगभग 10 बजे तक, तो आप सारे लोग भी वहां जरूर जुड़ना। और जो भी कल भाव मिलेंगे, जैसा भी बाजारों का रुख रहेगा, आप सबके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।